हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डायल पैड टोन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ना अगले पेज में सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये आपको डायल पैड टोन का। डायल पैड टोन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी डायल पैड टोन सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद काम कैसे करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोन ऐप होता है ना, इस फ़ोन ऐप के अंदर जो ये आपका डायल पैड होता है जिसपे आप नंबर डायल करते हैं, इसमें से अगर आप कोई भी बटन अगर आप दबाएंगे ना तो कोई भी साउंड की आवाज़ नहीं आएगी, किसी भी तरीके का साउंड क्रिएट नहीं होगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये सेटिंग ना डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में सेटिंग, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ना सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है डायल पैड टोन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना यहाँ पर आपको टाइप कर देना है पूरा का पूरा, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा डायल पैड टोन का, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो नीचे ही आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।